आप सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज पर। मैं आपके साथ रिजवान खान। आज आपको मैं एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जिसको देश के पढ़ा लिखा जो तबका है वो डॉक्टर हलीमा सादिया के नाम से जानता है। यकीन मानिए डॉक्टर हलीमा सादिया को किसी इंट्रोडक्शन की, हमारे इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ी शख्सियत, समाज में, मुस्लिम समाज में एक ऐसा चेहरा जो लोगों को ये बताता है कि आप अपने बच्चों को तालीम की तरफ ले जाइए। अगर इनके बैकग्राउंड की तरफ जाएं तो आपका जामिया हमदर्द से भी रिश्ता रहा, आपने वहाँ भी सर्विसेज दी और आज हिंदुस्तान का नाम दूसरी दुनिया में उजागर कर रही हैं। डॉक्टर साहिबा एजुकेशनिस्ट हैं, साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं, साथ साथ एक काउंसलर भी हैं जो लोगों को बताती हैं कि आप अपने बच्चों को कैसे आगे निकालें। आपके कई शोज़ अलग अलग टीवी चैनल्स पर होते हैं और आपने उसके थ्रू एक समाज को, खूबसूरत समाज बनाने की कोशिश की। डॉक्टर साहिबा, आपने बहुत कीमती वक्त दिया है मुझे, मगर इनकी जो इंट्रो है इतना ही नहीं है, बहुत ज़्यादा है। मैं बहुत कम बोल पा रहा हूँ इनके बारे में क्योंकि बड़ी शख्सियत, जो आप यूट्यूब पर भी इनको कई प्रोग्राम्स में आप देख सकते हैं, इनके अपने यूट्यूब्स भी हैं। अक्सर मैं कहता हूँ महिलाओं को लेकर कि अब वक्त आ गया है महिलाओं को आज़ाद कर दिया जाए और देखा जाए कि महिला क्या क्या कमाल कर सकती है। मेरा अपना मानना है कि महिलाओं को अगर तालीम में हम आगे करेंगे तो एक खानदान को नहीं बल्कि अपने देश को खूबसूरत और बेहतर बना पाएंगे। तो आज जो मेरे साथ शख्सियत है ये समाज को खूबसूरत बना रही हैं और उन परिवार के लिए एक एग्जाम्पल्स है जो ये सोचकर अपने बच्चियों को नहीं पढ़ाती कि बच्ची एक किचन के प्रोडक्ट के तौर पर आप इस्तेमाल करती हैं, या यूँ कहें जो अक्सर हम मुस्लिम समाज में देखते हैं कि अपने बच्चों को ये सोचकर नहीं पढ़ाते या आगे डिग्रीज नहीं देते कि वो आखिर उनको किचन के अंदर ही जाना है। मैम, थैंक यू सो मच कि आपने बहुत कीमती वक्त दिया। मेरा पहला सवाल होगा, क्योंकि आप पहले हमारे दर्शकों को ये ज़रूर बताइएगा आप किस जगह से आती हैं, आपकी तालीम कहाँ 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 से हुई और कहीं ना कहीं आपके पीछे का मोटिवेशन आपके कौन रहा जो आप इतने शानदार तरीके से देश का नाम दूसरी जगह रोशन कर रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी रिजवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ आने की दावत दी और मुझे बेहद मसर्रत हुई कि जब भी इस तरह के कोई प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें कि मुझसे बात की जाती है तालीम के सिलसिले में, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद आज पूरा हो रहा है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मेरा ताल्लुक बिहार के एक इलाके से है जिसका नाम दरभंगा है और दरभंगा के एक बहुत छोटे से गांव से है, हरपुर काजी टोला। हमारे गांव में लड़कियों को पढ़ाने का बिल्कुल रिवाज नहीं था, बल्कि वो आज भी उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरे वालिद मोहतरम साहब एक इनकलाबी शख्स थे जो ख़ुद स्कूल में हेडमास्टर थे और उन्होंने उस वक्त, आज से तकरीबन 35 साल पहले, यह कदम उठाया कि उन्होंने अपनी दो बच्चियों को वहाँ से, उस गाँव से निकाल के और आज़मगढ़ के एक हॉस्टल में दाखिला दिलवाया। हालाँकि उनको इसके लिए बहुत सी बातें सुननी पड़ी, बहुत से ताने तिशने सुनने पड़े, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और आज़मगढ़ से मेरा तालीमी सफ़र शुरू हुआ जो फिर रामपुर में जाके पहुंचा और उसके बाद फिर मैंने अलीगढ़ से, फिर जामिया मिल्लिया से, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से और फिर जामिया हमदर्द से, इस तरह मैंने अपनी तालीम PhD पे जाके मुकम्मल की। तो जैसा कि रिजवान साहब ने पूछा मुझसे कि आपके जो मोटिवेशनल फैक्टर है वो कौन है, तो मैं यकीनन सिर्फ़ और सिर्फ अपने वालिद साहब का नाम लेना चाहूँगी कि अगर वो उस वक्त हिम्मत से काम नहीं लेते और समाज के ख़िलाफ़ नहीं खड़े होते तो आज मैं भी गांव की एक लड़की की तरह जो कहीं भी किचन में काम कर रही होती और कुछ चंद बच्चे पाल रही होती और उनको बड़ा कर रही होती और यही मेरी ज़िंदगी का मकसद होता, इसके अलावा और कुछ नहीं होता और मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। तो मैं अपने वालिद मोहतरम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और वो आज भी इस मिशन में लगे हुए हैं। आपको ये जान के बहुत हैरत होगी कि अब उनकी उम्र तकरीबन 74 ईयर्स है, लेकिन अभी भी वो स्कूल से वाबस्ता है, मुंबई में रहते हैं और वो लोकल ट्रेन लेके जाते हैं और एक जगह स्कूल में स्कूल ट्रेनर के तौर पे काम करते हैं और फिर मेट्रो लेके आते हैं और फिर वो इस तरह मशक्क़त करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद ही ये बना लिया है कि उन्हें बच्चों को पढ़ाना है, टीचर्स की ट्रेनिंग करनी है और इस तरह एक इल्म की शमा को जलाए रखना है, रोशन रखना है। मैम, आपने बहुत अच्छी बातचीत की, मगर आज जिस समाज में हम जी रहे हैं वाकई, क्योंकि हमारे कई जो हमारे क्लासमेट लड़कियाँ थी उनका एक कहना है
और मुझे सच भी लगता है कि जब लड़कियां घर से निकलती हैं तो उनका कैरेक्टर असिग्नेशन वहीं से शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं दबाव है समाज में, मुस्लिम समाज में, कि वो अपनी लड़कियों को बेहतर समाज में, कि भाई लड़की बदनामी या इस तरह की जो आप कह सकते हैं इंट्रावर्ट जो थिंकिंग है, कहीं ना कहीं हमारी समाज की लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने दिया दे रही हैं। क्योंकि हम एजुकेशन फील्ड से, खुद मेरा ताल्लुक़ है, मैंने देखा है मुस्लिम कम्युनिटी में अगर लड़कियों को अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए तो कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर परिवर्तन आएगा। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर समाज में, देश में परिवर्तन, लड़कियां ही परिवर्तन करेंगी। तो मैं आपसे चाहूँगा कि उन माँ बाप को आप ज़रूर हमारे चैनल के थ्रू बताइए कि आप लोगों का, देखिए अगर आपको मौका मिला तो आज माशाल्लाह आपने दुनिया में झंडा फहरा दिया देश का, तो मैं चाहता हूँ कि एक मैसेज आप ज़रूर दीजिए पेरेंट्स को, लड़कियों को खासकर लेकर, उनको आप अपॉर्चुनिटीज स्टेज में, क्योंकि आपने सारे आप अलग अलग जाके आपका लेक्चर्स होता है, मैं चाहता हूं कि स्टेज बताइए कि भैया किस स्टेज तक बच्चों को फ्री करके एकदम तालीम जॉब की ओर और वो अपनी लाइफ को सेटल डाउन कर सके। एक अहम सवाल है, एक लड़की है जो मैं उसके वाक्य आपको बता रहा हूँ, उसने कहा कि अगर मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँगा और बहुत अमीर लड़के से मेरी शादी हो जाती है तो कहीं ना कहीं अगर मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, जिस माँ बाप ने मुझे 25 साल पाला, अगर मुझे कुछ गिफ्ट देना होगा तो उस हस्बैंड से मांगना पड़ेगा, तो मैं ये लाइफ पसंद नहीं करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं खुद कमाऊँ और अपने माँ बाप को खुद गिफ्ट दूँ। तो मैं चाहूँगा कि एक मोरल लेसन के तौर पर आप लोगों को ज़रूर बताइए कि किस तरह से अपने बच्चों, खासकर लड़कियों को वो मोटिवेट करें और कहाँ तक उनको, आज की दुनिया के साथ कहाँ तक उनको पढ़ाना चाहिए। जी देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ख़ासतौर से लड़कियों के हवाले से। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी नज़र में लड़के और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि अक्सर व बेशतर ये देखा गया है कि जो लड़कियाँ हैं वो माँ बाप की ज़्यादा हमदर्द होती हैं और वो चाहे जितने भी मुश्किल का सामना करना पड़े वो कभी भी माँ बाप का साथ नहीं छोड़ती हैं। तो जितने भी वाक़ात आपने देखे होंगे कि बुढ़ापे में माँ बाप को घर से निकाल दिया या उनकी देखभाल सही तरीके से नहीं हो रही है, तो आपने ज़रूर देखा होगा कि उन खबरों में कहीं ना कहीं बेटे ज़रूर मुलविस होते हैं, लेकिन बेटियां अपने ससुराल में लड़ झगड़ करके, अपने शोहर की खुशामद करके किसी तरह भी अपने माँ बाप का ख्याल रखने के लिए ज़रूर आ जाती हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि लड़कियों को बल्कि पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है लड़कों के मुकाबले में, क्योंकि मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि उनके लिए जॉब करना ज़रूरी है और सेल्फ डिपेंडेंट होना ज़रूरी है। मेरी नज़र में तो जॉब एक सेकेंडरी मकसद है तालीम हासिल करने का। जो पहला मकसद है, अवलीन मकसद है, वो ये कि लड़कियों के अंदर उसे एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है और लड़कियों को दुनिया में जिंदगी कैसे गुजारनी है उसका सलीका आता है। एक जाहिल लड़की जब वो माँ बनती है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना कम होता है कि वो ना तो बच्चों की सही तरबियत कर पाती है, ना घर को सही से चला पाती है और ना ही वो अपने फराइज़ को अच्छे से अंजाम दे पाती है। तो इसलिए लड़कियों को पढ़ाना एक खानदान को तालीम नहीं देना बल्कि पूरे एक मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा बटाना है। तो जो माँ बाप ये सोचते हैं कि अगर मेरी लड़की बाहर पढ़ने जाएगी तो वो बिगड़ जाएगी, तो यकीन जानिए कि लड़कियां घर पे भी रह के बिगड़ जाती हैं, क्योंकि आज का ज़माना इतना एडवांस हो चुका है और जो मीडिया है उसने हर चीज़ों को इतना एक्सपोज कर दिया है, सोशल मीडिया ने खास तौर से, कि हम बच्चों को इससे बचा ही नहीं सकते। अगर हम बाहर नहीं भेज रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तूफ़ान सर से टल गया है, तूफ़ान तो हमारे घर के अंदर है। तो अगर उसका मुकाबला करना है तो हमें उसमें कूदना पड़ेगा और उस तभी मुकाबला कर सकते हैं। तो मेरा मशवरा ये होगा माँ बाप को कि आप बच्चियों को इतना कॉन्फिडेंस दें और उनको सही और गलत की ऐसी तमीज़ सिखा दें कि वो ऐसे माहौल में रहते हुए जहाँ के सभी लोग गलत की तरफ जा रहे हों तो भी जो आपका दिया हुआ पैमाना है वो उनके सामने इस तरह से खड़ा हो जाए कि वो गलत की तरफ कदम ना उठाएं बल्कि वो हमेशा सही को ही अपनाएं। उनके अंदर एक जजमेंट की जो कैपेसिटी होती है, जो स्किल्स होता है जजमेंट का, वो डेवलप करने की ज़रूरत है। और रही बात कि कहाँ तक लड़कियों को तालीम दी जाए, तो मेरे ख्याल में तो देखिए तालीम तो एक जेवर है, अगर एक जेवर के बाद दूसरा जेवर आप खरीदती हैं तो क्या वो आपको बुरा लगता है? कभी नहीं लगता बुरा। हर कोई चाहता है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा जेवर आपके पास बढ़ते ही जाए। इसी तरह से अगर तालीम का सिलसिला अगर हम देखें तो वो तो कब्र में जाके ही ख़त्म होता है। खुद हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि माँ की गोद से लेके गौर तक इल्म हासिल करो। फॉर्मल एजुकेशन जहाँ तक मुमकिन हो, लड़कियों ने ग्रेजुएशन कर लिया तो पोस्ट ग्रेजुएशन करें, फिर PhD करें, और फॉर्मल एजुकेशन अगर ख़त्म हो भी जाए तो जो इनफॉर्मल एजुकेशन है, यानी कि घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल कायम करना, न्यूज़पेपर पढ़ना, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, जो मोटिवेशनल बुक्स होती हैं वो पढ़ना, अपनी दीनी किताबों के साथ साथ दुनियावी उलूम को भी जानना, इस तरह का एक माहौल घर में पैदा करना बहुत ज़रूरी है। और कभी भी इंसान को तालीम से अपना सिलसिला मुनक़ता नहीं करना चाहिए। मैम ने बहुत अच्छी बात की। मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है तो वो तालीम, तालीम इससे बेहतर चीज़ कोई हो ही नहीं सकती है। तो मैम ने अपनी बात इतने शानदार तरीके से रखी है,
तो मैं अपने व्यूवर्स से ज़रूर कहूँगा कि आप यूट्यूब पर जाइए, डॉक्टर हलीमा सादिया साहिबा के प्रोग्राम को ज़रूर देखिए। बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशन लेक्चर्स हैं और उनको आप फॉलो कीजिए, क्योंकि हमारे समाज में समाज को ये बना रही हैं और खूबसूरत बेहतर। तो तालीम के लिए जितना जद्दोजहद, जितनी प्रॉपर्टियां आपको बेचना पड़े आप बेच दीजिए और अपने बच्चे को ज़रूर पढ़ाइए। इसी तरह की पर्सनालिटी से हम आपको लगातार मिलाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लाज्मा न्यूज़।